रवाना किया गया। रोहित गोस्वामी, न्यूज 8, रामनगर। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा पर थमा चुनाव प्रचार, 10 जुलाई को होना है मतदान। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में है कांटे की टक्कर। तो बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा पर चुनाव प्रचार अब थम चुका है और दोनों ही जिलों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि 10 जुलाई को मतदान होना है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और 13 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो दो सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर जहां पर विधानसभा उपचुनाव 10 जुलाई को यहां वोटिंग होगी और 13 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं देहरादून से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, दो सीटें हैं जिन पर विधानसभा उपचुनाव होना है और आज प्रचार प्रसार जो है वो थम चुका है। किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है इन दोनों सीटों पर? देखिए बिल्कुल रितु, आपने बिल्कुल सही कहा। चुनाव प्रचार 5 बजे शांत हो गया है चुनाव, और जो डोर टू डोर जो कैंपेन जो हमेशा राजनेता चुनाव प्रचार होने के बाद करते रहे हैं, हो सकता है वो अपना डोर टू डोर कैंपेन चल रहा हो, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपने आप को या अपने प्रत्याशी को वोट दिलाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन आमतौर पर चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, उसकी समय सीमा बीत चुकी है। अगर हम बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पिछला विधानसभा चुनाव हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले अनिल बलूनी के बहाने और उनके जो अपना जो उनका जो माध्यम उन्होंने अनिल बलूनी को बनाया भारतीय जनता पार्टी में आने का, तो भाजपा में आ गए और भाजपा में आने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के साथ साथ। तो भाजपा ने अब इस उपचुनाव में उन्हीं को प्रत्याशी बनाया, ये भी एक अजीब संयोग है। जो भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है उनको हराने वाले जो राजेंद्र भंडारी है वो भाजपा के प्रत्याशी बन गए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के लिए वोट भी मांग रहे हैं। और कांग्रेस ने यहां से लखपत बुटोला को उतारा है। लखपत बुटोला कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है और एक समय में बसपा से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का, लेकिन इस बार वहां पर फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमटती दिख रही है। अच्छा चुनाव वहां पर हो रहा है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। और उधर कल मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष अनिल बलूनी और तमाम लोगों ने वहां पर, बड़े नेताओं ने वहां पर जनसभाएं की, डोर टू डोर कैंपेन किया, जनसभाएं की, रोड शो किए, जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मंगलौर विधानसभा की, तो मंगलौर में बसपा के विधायक थे और सरबत करीम अंसारी, उनका निधन हो गया और निधन होने के बाद रिक्त सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन, जो 3 बार वहां से एमएलए भी रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फरीदाबाद के नेता हैं करतार भड़ाना, उनको यहां पर चुनाव मैदान में उतार दिया है। और बसपा कभी बाय इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन इस बाय इलेक्शन में उन्होंने एक सहानुभूति गेन करने के लिए जो दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी, उनके बेटे को वहां से चुनाव मैदान में उतार दिया बसपा का प्रत्याशी बनाकर। तो वहां पर कुछ तरह से देखे जाए, मतलब सभी नजरिए से अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, चुनावी विश्लेषकों की, अगर राजनीतिक पंडितों की बात करते हैं, तो चुनाव त्रिकोणीय हिस्से में बढ़ गया है, त्रिकोणीय हो गया है, तो कांग्रेस, भाजपा और बसपा के बीच। लेकिन कुल मिलाकर अब सतही तौर पर जो सूचनाएं आ रही है वहां भी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही चुनाव के सिमटने की संभावना है। कुल मिलाकर लबलुआब यह है कि दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। मंगलौर की सीट बसपा के पास थी, बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस के पास थी। भाजपा के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर खोने के लिए है तो सरकार की प्रेस्टीज है कि एक आपकी हमारी सरकार है फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए, और अगर जीत गए तो प्लस होगा क्योंकि उनका नंबर गेम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 47 विधायक है, अगर दोनों जीत जाएंगे तो 49 हो जाएंगे, और नहीं जीतेंगे 47 तो रहेंगे, बहुमत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सरकार की प्रतिष्ठा से दोनों चुनाव जुड़ गए हैं, बद्रीनाथ भी और मंगलौर भी, तो इसीलिए दोनों दलों के नेताओं ने यहां पर अच्छा खासा जोर लगा दिया है। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मंगलौर विधानसभा में लगातार कैंप कर रहे हैं, इस समय भी वो मंगलौर में हैं। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा वो भी, और जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता है सभी ने ताकत झोंकी हुई है। तो जैसे मैंने नंबर गेम के बारे में बताया कि भाजपा दोनों ही सीटों पर पिछला चुनाव हार गई थी, तो इस बार वो उसकी क्या स्थिति रहती है, जितना वहां पर पूरा जोर भाजपा ने लगाया उससे देख रहे हैं कि परिणाम किस तरफ से, परिणाम का जो ऊंट है वो किस तरफ करवट लेगा। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर इस उपचुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रतिष्ठा का सवाल है। देखने वाली बात होगी कि किसके पाले में ये दोनों सीटें जाती हैं। आगे बढ़ेंगे चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बिना किसी के दबाव में आए अधिक से अधिक मतदान करने और आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई है।
बाई इलेक्शन में बद्रीनाथ विधानसभा का, उसके मद्देनजर पूरे जिले में जहाँ जहाँ हमारे स्टैटिक बैरियर है वो स्थापित हो चुके हैं, वहाँ पे जो कैमरे हैं वो वर्किंग कंडीशन में अभी, और उसके अलावा जो भी FST SST जो भी इलेक्शन कमीशन के मानक के अनुसार जो है वो पूरे जिले में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त जो है जो बाहर से फोर्स चुनाव को कराने के लिए जो आना था वो भी हमारा आ गया है, और उसके मद्देनजर लगातार जो है पूरे जिले में जो भी फ्लैग मार्च फोर्स के द्वारा होना था वो डेली बेसिस पे लगातार हो रही है। रुड़की से बड़ी खबर, जहां पर मंगलौर विधानसभा को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। फ्लैग मार्च में कई थानों के थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। CU मंगलौर और SP देहात ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया है। मंगलौर कस्बा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल के द्वारा एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसमें हमारे जितने भी CAPF हैं और PAC होमगार्ड, PRD और सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर और आरक्षीगण शामिल हो रहे हैं। सभी की ब्रीफिंग अभी की गई है और अभी पूरे एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के दौरान उनके द्वारा मर्यादा पूर्ण एवं अनुशासन में रहते हुए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निर्देशित किया गया। चमोली में 10 जुलाई 2024 को बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बरसात के सीजन में पहली बार चुनाव होने से प्रशासन के साथ मतदाताओं को भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए 17 पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया है। तो बता दें आपको कि उपचुनाव होने हैं और पहली बार बारिश के सीजन में ये चुनाव हो रहा है। ऐसे में बरसात के सीजन में चुनाव पहली बार हो रहे हैं, जिससे प्रशासन के साथ मतदाताओं को भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 3 दिन तक बंद रहेगा रोप वे। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर का रोप वे 3 दिन तक बंद रहने वाला है। 9 से 12 जुलाई तक रोप वे में मरम्मत का काम चलेगा। चंडी देवी मंदिर का रोप वे 15 से 18 जुलाई तक बंद रहेगा। तो बता दें कि 3-3 दिन बंद रहेगा मनसा देवी और चंडी देवी का रोप वे। अगर आप यहां पर अपना प्लान बना रहे हैं मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में जाकर दर्शन करने का, तो रोप वे का आप लुत्फ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि 9 से 12 जुलाई की बात करें तो रोपवे में मरम्मत का काम चलेगा। वही आपको बता दें कि ये मनसा देवी की तारीखें हैं 9 से 12 जुलाई की, और वही चंडी देवी की बात करें तो चंडी देवी मंदिर में 15 से 18 जुलाई तक मरम्मत का काम चलेगा, इसीलिए 15 से 18 जुलाई तक बंद रहेगा। नैनीताल में पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नैनी झील का जलस्तर 6.5 फीट तक बढ़ गया है। हालांकि नैनी झील को भरने वाले नालों में टूट फूट नहीं हुई है और विभाग झील और नालों पर लगातार नजर बनाए हुए है। जो आज की डेट में हमारा झील का लेवल है 6 फीट 5 इंच के करीब है, और टोटल रेनफॉल 1 जनवरी से अभी तक का हमारा 874 mm हो चुका है। पिछले साल हमारा रेनफॉल इसी टाइम पे 962 mm था और झील का लेवल हमारा 6 फीट था उस टाइम पे। लेकिन अभी विगत दिनों में जुलाई माह में ही 1 जुलाई से भी 8 जुलाई के मध्य 512 mm बारिश हो चुकी है, जिससे हमारा जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। 12 जून को हमारा जो झील का स्तर है वो 0 पे चले गया था, लेकिन उसके बाद 21 जून में लास्ट -8 इंच हमारा झील का लेव स्तर था, लेकिन बारिश धीरे धीरे बारिश होने से 26 जून को ही हमारा झील स्तर 0 से प्लस आके 7 इंच हो गया था। टिहरी के नरेंद्र नगर में पहाड़ से गिरा बोल्डर गिरने से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बता दें कि JCB से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। तो टिहरी से बड़ी खबर, जहां के नरेंद्र नगर में पहाड़ से बोल्डर गिर गया है। बोल्डर गिरने से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और JCB से मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द आवागमन शुरू हो सके। तो बता दें कि लगातार बारिश के मौसम में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
भारी बारिश होने के कारण ये मलबा आया है। ऊपर होटल का कंस्ट्रक्शन जो भी काम चलता है वो पूरा लूज मटेरियल और पानी का निकास इधर कर रखा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर भी आ रखे हैं, बड़े बड़े बोल्डर भी आ रखे हैं। हम कल से लगातार काम कर रहे हैं इधर, और पहले नीचे का भी खोला है, नीचे गाड़ियां फंसी हुई थी उनको खोल के आए, तो इधर रात ज्यादा हो गई इसलिए हमने सुबह दोबारा शुरू किया इसको खोलने के लिए, और आज भी पूरा दिन भर काम करेंगे। ये खुलने की संभावना नहीं लग रही है, एक मशीन है हमारे पास। रात को बहुत भयंकर मलबा आया जिससे हम रात को सोए भी नहीं, पूरी रात भर हम जागते रहे, इतना बड़ा पत्थर आया वहाँ पे कि हम पूरी रात सोते भी नहीं, और तो कुछ नहीं, अपने बचाव के लिए कहाँ जाना हमने। ये अब मकान की हालत भी है, अब मेरे सारे खेत दबे, अदरक पिनालू हल्दी सारे खेतों में ऐसा तहस नहस हो गए, पूरा मलबा भर गया हुआ, तो पूरा मलबा हमारे बहुत खतरा।